हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सिटी के तिवारिया चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मौसम अच्छा हो गया है, दिल्ली का धूप निकलने लगी है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मेरे बहुत सारे पौध जो हैं वो टमाटर के रेडी हो चुके हैं। देखिए मेरे गार्डन में तो जब सीज़न चला जाता है या फिर जब धूप आती है तभी सब कुछ ग्रो होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे टोमेटोज़ हैं जो ग्रो हो चुके हैं। हालाँकि मैंने इनके सीड बहुत पहले डाले थे। वहाँ नीचे की तरफ भी अगर आपको मैं दिखाऊँ, आपको दिख रहा हो, तो यहाँ पर भी 6 से 7 सीड जो हैं ये मेरे टोमेटोज़ के ही हैं। यहाँ पर भी एक पॉट रखा है, उसमें भी सारे के सारे टोमेटोज़ हैं। तो देखिए आप इनको रिपोर्ट जो है शाम के टाइम कीजिएगा। डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर कर देना। और एक और अपडेट दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए मैं लाई थी यहाँ पर डहेलिया का प्लांट, जो गिलहरी ने ऊपर से खा दिया है अच्छे से, बिल्कुल इसकी जान निकाल दी है उसने। बट ये भी हार मानने वालों में से नहीं है। देखिए नीचे से ग्रोथ इसकी स्टार्ट हो चुकी है, डहेलिया का प्लांट है। यहाँ पर एक और अपडेट मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने एग्रो कंपनी के, शायद उसका नाम था, मैंने सीड मंगाए थे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी ऑनलाइन शॉपिंग का। तो ये वो सीड थे जिनको मैंने ग्रो किया था। तो ये देखिए कुछ सीड जो हैं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये ग्रो हो चुके हैं। कौन से सीड हैं ये मुझे याद नहीं है, बट ये ग्रो हो चुके हैं। और भी कुछ सीड मैं ग्रो करूँगी और उनका रिज़ल्ट आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए अपने वीडियो पर ही रहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एक कमेंट आया था कि आप इसको यूज़ करना भी बताना, यूज़ कैसे करोगे, उसी टॉपिक पर आज का वीडियो है। तो देखिए ये जो है, बीच में 2 दिन हमारे यहाँ पे बारिश हो गई थी जिसकी वजह से मैं इसका यूज़ नहीं कर पाई थी। तो आप देख सकते हैं उसका कलर भी चेंज हो गया है। ये देखिए पानी का कलर बिल्कुल डार्क हो गया है और आज हम इसको यूज़ करेंगे। तो देखिए छत पर रखी हुई बाल्टी का कलर आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, इसको इग्नोर कीजिएगा। और हमने यहाँ पर ये मेरे ख्याल से तो ये 15 से 10 लीटर के बीच की बकेट है और इसमें हमने भर के रखा हुआ है। तो आप इसको ये देखिए छान कर यूज़ करना जब भी यूज़ करोगे। वैसे तो इसका कोई नुकसान नहीं है, अगर एक दो पार्ट इसका चला भी गया फिर भी आप छान कर यूज़ करना। तो मान लीजिए 10 या 15 लीटर की बकेट है, उसमें हमने हाफ मग पानी ऐड किया है, ठीक है। अब इसको हम यूज़ करेंगे। तो ये जो हमारी छलनी में आ गया वो वापस इसी में डाल दीजिए और इसको अच्छे से मिक्स करके और सभी जगह वाटरिंग कर दीजिए। ये है इसका प्रोसेस, कुछ खास इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि कैसे यूज़ करना है। और यूज़ करने के बाद ये जो बच गया है ये वाला, जब हम सारा यूज़ कर लेंगे तो आपके पास ये बिल्कुल ऐसे बच जाएगा। तो आप क्या करोगे, आप दोबारा से इसमें पानी भर दीजिए और दोबारा से इसको रख दीजिए। इस बार आपको थोड़े ज़्यादा दिन के लिए रखना होगा। कितने दिन के लिए, कम से कम 12 से 15 दिन का बीच आप इसको रख देना, तब दोबारा से यूज़ करना, ठीक है। तो हम सभी जगह वाटरिंग कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से सभी जगह आपको वाटरिंग कर देनी है। जो प्लांट आपका लगे कि सूखा हुआ है आपको वहीं पानी डालना है, जो लगे कि आपके उसमें गीला है बिल्कुल तो आपको वहाँ पर वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सारे पॉट दिखा रही हूँ, ये सब गीले पड़े हैं तो हमें इनमें वाटरिंग नहीं करनी है। जैसे कि ये पॉट हमारा सूखा हुआ है, इसमें हम वाटरिंग करेंगे और नेक्स्ट डे आप दूसरे वाले में वाटरिंग कर सकते हो। ये देखिए, ठीक है, यही प्रोसेस होता है वाटरिंग करने का, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये वाला सूखा पड़ा है तो हम इसमें डालेंगे। आप पॉट की मिट्टी देखोगे आपको खुद ही समझ आ जाएगा। ये वाला बिल्कुल गीला है तो हम इसको इग्नोर करेंगे, इसमें नहीं डालना है, इसको हम गुड़ाई कर देंगे। तो सभी जगह वाटरिंग कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए ये बिल्कुल, हस्बैंड कह रही है गीला है पर ये सूखा पड़ा है, ठीक है। और यहाँ पीछे की तरफ गुलदावरी का जो प्लांट है ना वो भी आप देख सकते हो, ये देखिए सूखा पड़ा है। तो जो पॉट आपके सूखे हो मिट्टी बिल्कुल उन्हीं में डाल दीजिए, बाकी सब में नेक्स्ट डे डाल दोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि ये वाला मेरा सूखा पड़ा है, यहाँ पर मैंने एक प्लांट रिपोर्ट किया है, उसको मैं कवर करके ऐसे रख रही हूँ ताकि ये बच जाए, सर्वाइव कर जाए। यहाँ पीछे की तरफ, या फिर आप देखिए मैं आपको बताती हूँ आप कैसे पहचानोगे कि इस प्लांट को वाटरिंग की ज़रूरत है। तो ये देखिए मेरा कपूर तुलसी का प्लांट है। दूसरे प्लांट की लीव दिखाती हूँ मैं, ये देखिए ये दिख रहा है आपको, ये ऊपर की तरफ है, मतलब इसको ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं है। और इस प्लांट की लीव आपको दिख रहा है ना, नीचे की तरफ है, मतलब ये बेचारा बहुत ज़्यादा प्यासा है, इसको पानी चाहिए। तो ये तरीका होता है देखने का कि इस प्लांट को वाटर की ज़रूरत है। तो जो भी सूखा पड़ा हो उसमें वाटरिंग कर दीजिए, जो गीला है उसको छोड़ दीजिए, नेक्स्ट डे कर लेना। यहाँ पर देखिए हमारी मेथी जो है ये ग्रो हो रही है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, अच्छा लगा हो। जिस भाई बहन ने कमेंट किया था कि यूज़ करके बताना, तो उनके लिए आज का वीडियो मैंने बना दिया है। आपको भी अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके तो बताना ज़रूर कि यस मैम हमने देख लिया है ये वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहूँगी, यहाँ पर देखिए ये देखिए मैंने सीड डाले थे,
एक्चुअली ये सीड नहीं था, माला थी, जो हम पूजा माला यूज़ करते हैं ना वो वाली मैंने ऐसे ही क्रश करके डाल दी थी। और अब देखिए सीजन जाने के बाद मेरे गार्डन में आपको दिख रहा है ग्रोथ हो रही है, क्योंकि धूप नहीं आती है फ्रेंड्स, धूप आएगी तभी सब कुछ चलता है, धूप की वजह से सब परेशान होते हैं। धूप आ गई है तो ये देखिए हमारे जो मारीगोल्ड के प्लांट है वो भी चल पड़े हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।